नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास का यह 11वां भाग है, 11वां भाग है। और यह जो भी मैं बताता जा रहा हूँ, यह प्लेलिस्ट आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर इंडियन हिस्ट्री क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी इतिहास के वीडियो वहां पर आप लोग को मिलेंगे। तो यह 11वां वीडियो है और आइए देखते हैं, अभी ऋग्वैदिक काल ही चल रहा है। तो ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में कुछ तथ्य हम आप लोग को बता दिए थे, कुछ बाकी रह गए थे, तो आइए देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। देखिए, ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था। ये दोनों जो प्रथाएं थी, यह विधवा विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में नहीं, ऋग्वैदिक काल में। और नियोग प्रथा का जिक्र आपको महाभारत में भी मिल जाएगा। इस काल में दास प्रथा थी, परंतु दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। घरेलू कार्य में ही लगाया जाता था, कृषि कार्य में दासों को नहीं लगाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो भी दास होते थे उनसे बस घरेलू कार्य लिए जाते थे। जो भी लोग, जो धनवान लोग होते थे वह दास रखते थे, लेकिन दासों से सिर्फ घरेलू कार्य लिए जाते थे। ऐसा नहीं है कि उनसे कृषि कार्य लिया जाता था, लेकिन दासों को कृषि कार्य में लिया जाने का प्रारंभ हुआ था महाजनपद काल में। महाजनपद काल में दासों से कृषि कार्य भी लिया जाने लगा, लेकिन ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी, परंतु दासों से सिर्फ घरेलू कार्य ही लिए जाते थे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजू कहलाती थी। आप लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में थोड़ा बहुत समतामूलक समाज था, और उसमें जितना पुरुषों का अधिकार था उतना ही स्त्रियों का भी अधिकार था। तो जैसे पुरुष संन्यास धारण करते थे, वैसे ही महिलाएं भी, स्त्रियां भी संन्यास धारण करती थी। तो वैसे ही जो अविवाहित रह जाती थी सन्यासी के रूप में, तो ऐसी कन्याओं को अमाजू कहलाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजू कहलाती थी। मुख्य भोज्य पदार्थ चावल और जौ था। उस समय मुख्य भोज्य पदार्थ जो था वह चावल और जौ था। ऋग्वेद में चावल को ब्रीही कहा गया है। चावल के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्रीही। और जौ को यौ कहा गया है, तो उस काल में चावल और जौ प्रचलन में थे। मुख्य भोज पदार्थ चावल और जौ था, और चावल को ब्रीही कहा जाता था, और जो जौ था उसके लिए यौ कहा जाता था, यौ नामक शब्द है। गाय को अघन्या माना जाता था। अघन्या का मतलब होता है नहीं मारे जाने योग्य। जिसको मारना वर्जित है उसे अघन्या कहा जाता है। तो गाय को अघन्या माना जाता था, मतलब गाय एक ऐसी जीव है जिसे उस काल में नहीं मारा जाता था, गाय को अघन्या माना जाता था। घोड़ा का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। ऐसा ऋग्वेद में प्रचलन था ऋग्वैदिक काल में, कि घोड़े का मांस जो था अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। शायद अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी, तो घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। आभूषण, उस समय कुछ प्रमुख आभूषण थे, जैसे कड़शोभन नाम का जो आभूषण था वह कान में पहना जाता था। कान में पहने जाने वाले आभूषण को कड़शोभन नाम दिया गया है। कुरील जो आभूषण था, सिर पर धारण करने वाला जो आभूषण था उसे कुरील कहा गया है, जैसे पगड़ी आप लोग समझ सकते हैं। निष्क जो था गले का आभूषण था, गले में पहनने वाले आभूषण को निष्क कहा गया। ज्योचनी जो थी अंगूठी को ज्योचनी, ऋग्वैदिक काल में ज्योचनी कहा जाता था। तो इस तरह से कड़शोभन, कुरील, निष्क और ज्योचनी ऋग्वैदिक काल में एक प्रमुख आभूषण होते थे जिसे स्त्री और पुरुष पहना करते थे। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। अब ऋग्वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन था वह कैसा था उसे देखते हैं। संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। गोधन का मतलब गाय रूपी धन। तो संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था, मतलब ऋग्वैदिक काल में गाय ही एक संपत्ति की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती थी, सबसे प्रधान इकाई होती थी गाय। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वह उतना ही समृद्ध माना जाता था। और लोग जब किसी चीज का दान करते थे वो भी गाय के रूप में दान करते थे। जब कोई चीज खरीदते थे वो भी गाय के रूप में खरीदते थे। गाय एक प्रकार से संपत्ति की एक सर्वोच्च इकाई थी। तो संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था, जो जितना जिसके पास जितनी गाय होती थी वह उतना समृद्ध माना जाता था। आर्य मुख्यतः सोना कांसा तांबा का
प्रयोग करते थे, आर्य लोग सोना कांसा तांबा का प्रयोग करते थे। आर्य जो थे सोने से परिचित थे, तांबे से परिचित थे और कांसे से भी परिचित थे, लेकिन आर्य जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। मतलब ऋग वैदिक काल के आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, और लोहे से आर्य और आर्य परिचित हुए थे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में 800 ईसा पूर्व के बाद लोग लोहे से परिचित होने लगे, लेकिन ऋग वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो उसमें आर्य मुख्यतः सोना कांसा तांबा का प्रयोग करते थे। तांबा और कांसा को समग्र रूप से अयस्क कहा जाता था, तांबे और कांसे को समग्र रूप से अयस्क कहा जाता था, अयस्क नाम दिया गया था। मतलब ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वह सोना कांसा तांबा का प्रयोग करना जानते थे और तांबे और कांसे को वह संयुक्त रूप से अयस्क कहते थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे ऋग्वैदिक काल के आर्य। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में 800 ईसा पूर्व में, उत्तर वैदिक काल के 800 ईसा पूर्व में लोग लोहे से परिचित होने लगे, लोहे का प्रयोग किया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। इसीलिए जब लोहे का प्रयोग किया जाने लगा उस समय, तो उसी समय उत्तर वैदिक काल में ही कृषि कार्य जो थी अपने उत्कृष्टता में पहुंची, उसमें कृषि कार्य किए जाने लगे। क्योंकि लोहे का जब प्रचलन हुआ, लोहे का जब आविष्कार हुआ, लोहे को जब खोजा गया, आर्य जब लोहे से परिचित हुए थे तो लोहे के तमाम हथियार बने, जिससे कृषि कार्य भी सुलभता से होने लगा। तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ 800 ईसा पूर्व में। ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का उल्लेख है, जौ को यौ कहा गया है ऋग्वेद में, एक ही अनाज जौ का उल्लेख है और जौ को यौ कहा जाता था, कपास का उल्लेख नहीं है। ऋग्वैदिक लोग जो थे वो कपास से परिचित नहीं थे शायद, इसलिए कपास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। व्यापारियों को पड़ी कहा जाता था, व्यापारियों को संयुक्त रूप से पड़ी कहा जाता था, व्यापारियों के लिए एक शब्द था पड़ी, पड़ी कहा जाता था, जो व्यापारी होते थे उनके लिए एक शब्द था पड़ी, पड़ी कहा जाता था उन्हें। मुद्रा के रूप में निष्क सतनाम का उल्लेख है, मुद्रा के रूप में निष्क और सतनाम का उल्लेख है। मतलब निष्क और सतनाम दो मुद्राएं थी ऋग्वैदिक काल में, निष्क और सतनाम दो मुद्राएं थी, लेकिन उन मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, ज्यादा प्रचलन नहीं था। लोग जो भी क्रय विक्रय करते थे वो वस्तु विनिमय के द्वारा ही करते थे, निष्क और सतनाम केवल कहने के लिए मुद्रा थी। निष्क और सतनाम का उल्लेख है परंतु यह नियमित मुद्रा नहीं थी, लेकिन मतलब प्रचलन में नहीं था। निष्क और सतनाम दो मुद्राएं थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन यह प्रचलन में नहीं था। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में अगला जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, बिल्कुल शेयर करिएगा, और बताइएगा कि यह सामग्री आप लोग को कैसी लगी। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ जाएंगे तो उसका पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, इसको शेयर जरूर करिएगा प्लीज।